So now, who will tell me the difference between sperms and semen? Raise your hands. Raise your hands if you know the difference between semen and sperms. यस जल्दी से मुझे बताओ या फिर मैं पूछती हूँ. एट्थ ए के स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है, जरा अपना हाथ खड़ा करो. एट्थ ए अभी कहीं नहीं है. ओके लेट मी आस्क फ्रॉम एट्थ बी. जानवी, जानवी भाटिया. She is absent. नो प्रॉब्लम. देन धैर्या, धैर्या कौशल. Yes. हाँ जी धैर्य बेटा, मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म्स एंड सीमन. Sperm is the gamete of male. It's the reproductive cell. ओके व्हाट And semen. इज सीमन. यस चलिए कोई बात नहीं. अभी एट्थ बी, एट्थ जी में से एक स्टूडेंट का हाथ खड़ा है. हाँ जी आप बताइए. एट्थ जी आवाज नहीं आ रही बेटा, अपने माइक चेक करो, अपना ऑडियो चेक करो. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बेटा. देखो वन वी हैव डन है ना, ध्यान से देखना है. इधर बिल्कुल इधर, बाकी सब छोड़ दो है ना. लीव एवरीथिंग, अपने होमवर्क छोड़ दो. एट्थ जी सेकंड बेंच बॉयज, लीजिए क्या कर रहे हैं बच्चे. एट्थ जी में बेटा सब कुछ, मैम जरा देखें बच्चे और कुछ ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाने हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं, आपको जनरल पता ही होना चाहिए. ठीक है रख दो, बाकी सब रख दो. बुक्स नहीं चाहिए हमें, सिर्फ वर्चुअल क्लास की कॉपी होनी चाहिए आपके पास है ना. और इधर देखोगे स्क्रीन पे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. बातें नहीं बातें नहीं, एक बार हम देखें. तो व्हाट यू हैव सीन हियर दिख रहा है आपको थोड़ा सा, मैं इसको यू कैन सी हियर, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड यहां से क्या निकले, यहां से निकला है स्पर्म्स. राइट इधर से निकले स्पर्म्स, और स्पर्म्स सिंगल सेल के है. राइट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम इसको ऐसे ये चल रहे हैं. उसके बाद ये एक ग्लैंड है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, इट सिक्रीट सलाइवा. Likewise, here there is a gland which is called as seminal vesicle. It secretes a fluid. Then there is present prostate gland. It also secretes a fluid. So when the sperms reaches in urethra, यहाँ पे urethra में पहुंचा, then sperms they mix with. स्पर्म्स किसके साथ मिक्स ये हुए, न्यूट्रिटिव फ्लूइड के साथ. एक फ्लूइड है उसके साथ मिक्स हुए, एंड द टोटल द फ्लूइड प्लस स्पर्म्स इट इज कॉल्ड एज सीमन. जो ध्यान से मेरी बात सुननी है, जो यहां से पेनिस से बाहर निकलता है, इट इज नॉट ओनली स्पर्म्स, द मेल्स दे इजेक्यूलेट. इजेक्यूलेट मीन्स बाहर निकालना. व्हाट दे इजेक्यूलेट, दे इजेक्यूलेट सीमन. सीमन इज ए फ्लूइड, स्पर्म्स नहीं उसमें दिखते हैं,
फ्लूइड ही, सीमन जो है वो एक थिक फ्लूइड जो निकलता है वो एक थिक फ्लूइड है, उसमें स्पर्म्स एज सच नहीं हमें दिखेंगे, वो तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखने पड़ेंगे, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म्स एंड सीमन, लिख लो जल्दी से। स्पर्म्स आर यूनिसेलुलर मेल गैमेट्स, स्पर्म्स आर यूनिसेलुलर मेल गैमेट्स, वेयर एज सीमन इज स्पर्म्स प्लस न्यूट्रिटिव फ्लूइड। सीमन इज स्पर्म्स प्लस न्यूट्रिटिव फ्लूइड। और यहां पे स्टार डाल के लिखना है ह्यूमन मेल्स इजेक्यूलेट मींस बाहर निकालना, इजेक्शन करना, इजेक्यूलेट अबाउट 3 ml ऑफ सीमन एट वन टाइम थ्रू पेनिस। थ्रू पेनिस और इस 3 ml, कैन यू इमेजिन, कोई मुझे बता सकता है कि 3 ml सीमन में अप्रोक्सीमेटली कितने स्पर्म्स होते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? 3 मिलियन। नॉट 3 million, 300 million, राइट? सो 3 ml सीमन has about 100 million sperms. हंड्रेड मिलियन स्पॉन्स। नाउ एट्थ सी में से लेट मी आस्क, इट इज हरमनप्रीत, हरमनप्रीत इज देयर एट्थ सी? हरमनप्रीत प्लीज कम नियर द माइक, बोलो जरा, पहले बोलो, देखिए आपका माइक वर्किंग है। ठीक है, आपने मुझे बताना है जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूट्रिटिव फ्लूइड। यू हैव टू टेल मी कि नेम द ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स कौन सी है, दो ग्लैंड्स आपको बताई थी जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट करती है, क्या नाम है उनका? यस, एक मैं बताती हूँ, एक आप बताना। वन इज सेमिनल वेसिकल्स और दूसरी, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेरी गुड वेरी गुड, अभी आपने यहीं खड़े रहना है। सो सिक्रीटेड बाय सेमिनल, सीमन से याद रखना है, सीमन से याद रहेगा सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन मेल। बट व्हाट इज द, हमने यहाँ पे पूछना है हरमनप्रीत, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिटिव फ्लूइड, नाम से ही पता चल रहा है। यस टेल मी। सीक्रेट न्यूट्रिएटिव फ्लूइड। नहीं, वो तो ग्लैंड्स ने सिक्रीट कर दिया, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड का, न्यूट्रिटिव फ्लूइड है ना, इसके नाम से कुछ पता चल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिटिव फ्लूइड? चलो आप बैठो बेटा, आप बैठो। देन वन इज दिलशान, दिलशान फ्रॉम
एट सी, यस, वेयर इज दिलशान? जल्दी आओ, जल्दी से आओ, फटाफट, बट टेल मी द फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिटिव फ्लूइड। अच्छा इधर देखो दिलशान, इधर देखो, मैं स्क्रीन की तरफ देखो, और इस साइड को आ जाओ, इस साइड को अपने, नहीं उस साइड नहीं, दूसरी साइड, यस, और थोड़ा सा पीछे हो जाओ, यस, एंड स्क्रीन की तरफ देखो। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन दिलशान? न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? सिक्स क्लास में पढ़ा है, एट थी बेटे, अपना वीडियो ऑन करो। यस, समबडी फ्रॉम एट बी, एट एफ, एनीबडी, आप बैठो दिलशान, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। नॉट फ्रॉम एट्थ जी, नॉट सेम स्टूडेंट, नहीं, समबडी। हाँ जी बेटा, एट्थ ई में से मुझे एक हाथ खड़ा नजर आ रहा है, बोलो बेटा। द फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिटिव फ्लूइड इज टू गिव न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म एंड टू गिव हिम सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड गिव न्यूट्रिशन, और सीमन में कौन से सेल्स हैं जिनको न्यूट्रिशन देनी है? स्पर्म्स। इसमें कोई सोचने वाला तो बात ही नहीं है, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जीके। आई थिंक यहाँ पे मैथ्स के टीचर्स या कोई से टीचर्स हो, दे कैन आंसर, राइट? तो न्यूट्रिटिव, तो आंसर इज, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स फूड टू स्पर्म्स। एट ए, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है, अभी हम यही क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, एंड सेकेंड थिंग, बिकॉज स्पर्म्स दे हैव टेल, दे नो स्विमिंग, बट स्विमिंग के लिए कुछ फ्लूइड, कोई पानी तो चाहिए, मूवमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। और वो किसने दिया? वो दिया इस न्यूट्रिटिव फ्लूइड ने, इट प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडियम। फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स, या फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, है ना? यहाँ पे आप सिर्फ लिख लो, द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीटेड बाय, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट डाउन द क्वेश्चन, इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो इसका, नेम द ग्लैंड्स, नेम द ग्लैंड्स विच सिक्रीट न्यूट्रिटिव फ्लूइड, विच सिक्रीट न्यूट्रिटिव फ्लूइड, लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन आना है। सेकंड लिखिए, सेकंड क्वेश्चन इसी के का ही सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ द न्यूट्रिटिव फ्लूइड, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ द न्यूट्रिटिव फ्लूइड? और सी पार्ट आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म्स एंड सीमन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म्स एंड सीमन? ठीक है जी, सो दिस इज द क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन में ये 90% उम्मीद है कि ये आएगा, तो ये आपने लिख लेना है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा,
मैंने ये इसलिए नहीं बताया, यू नो द थिंग दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। एक पॉइंट और लिख लीजिए, है ना, द स्पर्म्स, राइट ऑफ द स्पर्म्स आर, फंक्शंस में लिख लो, द स्पर्म्स आर एक्टिव इन बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम, और एल्कलाइन एल्कलाइन मीडियम द स्पर्म्स आर फंक्शनल। एट जी बेटा माइक जरा अपना ऑफ कर लो। द स्पर्म्स आर एक्टिव इन बेसिक और एल्कलाइन मीडियम, फुल स्टॉप करके। द न्यूट्रिटिव फ्लूइड प्रोवाइड्स, द न्यूट्रिटिव फ्लूइड प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम टू द स्पर्म्स, द न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम टू द स्पर्म्स। ठीक है, आपको पता है अब बेसिक क्या होता है और एसिडिक क्या होता है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 7। सो थ्री फंक्शंस आई हैव टोल्ड यू, इसमें से कोई से दो लिखते हैं ना, अगर दो आते हैं तो। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट इज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। जल्दी से, अब आपने मुझे लेबलिंग बतानी है, ये क्या है। क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, बहुत ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म एंड गिव द फंक्शंस ऑफ वन, टू, फाइव एंड सिक्स। गिव द फंक्शंस ऑफ वन, टू, फाइव एंड सिक्स। एट्थ ए में आ जाओ बेटा मेरे पास, प्रीत एंड सपना। प्रीत आ जाइए, सपना रहने दो, एंड बनीत, प्रीत एंड बनीत, ये दोनों स्टूडेंट्स आ जाओ। जल्दी से क्विक, बाकी सब फंक्शंस लिखो अपनी कॉपी में, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। गिव द ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। यस बेटा, पहले बोलो देखें आपका माइक वर्किंग है। अच्छा यस मैम, जी बोलो बेटा, मुझे फटाफट से लेबलिंग बता दो, ये फर्स्ट क्या है, डू यू नो, इसमें से जिसकी लेबलिंग आपको आती है वो बता दो कि ये है। टू इज न्यूक्लियस। टू इज न्यूक्लियस, एब्सोल्यूटली करेक्ट, और बताओ। मैम सिक्स इज टेल। सिक्स इज टेल, वेरी गुड, एनीथिंग एल्स यू नो। मैम चलो बैठो बेटा बैठो, एनी अदर स्टूडेंट, जो दूसरा नाम बताया था हमने वो स्टूडेंट आ जाओ। मैम शी इज एब्सेंट। इज एब्सेंट, ओके नो प्रॉब्लम। देन वी मे आस्क अनन्या, अनन्या फ्रॉम 8th है, आ जाओ बेटा। यस टेल मी एनी अदर लेबलिंग यू नो। मैम फर्स्ट इज एक्रोसोन। वेरी गुड, दिस इज एक्रोसोम। देन थर्ड पोर्शन, ये जो है लंबा सा, मैम मिडिल पार्ट। यस इट इज मिडल पीस या मिडल पार्ट, एंड दिस फोर्थ, ये पता है ये जो येलो कलर के हैं, मैम माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। और बेटा जो ये पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, नहीं तो मैं बताती हूँ, ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रैंड्स है, दिस इज एक्सियल फिलामेंट।
एक्सियल फिलामेंट, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडल पीस, एक्सियल फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड टेल। बनाओ और जो है ये पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो बेटा, पहले देखो फिर बनाना। एक्रोसोम, व्हाट आर द फंक्शंस, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आना है। एक्रोसोम का फंक्शन क्या है? डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन्स, बिकॉज स्पर्म हैज टू एंटर इनसाइड द एग, सो इट हैज टू डिसॉल्व द मेम्ब्रेन। तो जो एक्रोसोम है इट डिसॉल्व्स एग मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस, इट हैज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। मिडल पीस में क्या आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया मेन, अगर हम बात करें मिडल पीस में मेन चीज क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जेनरेट्स एनर्जी फॉर स्पर्म्स। एंड टेल हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पॉन्स। और में 3 मार्क्स क्वेश्चन में और में ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। फटाफट से डायग्राम बनाओ, लेबलिंग करो, यू विल गेट ऑल द फुल 3 मार्क्स। एक मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन पहले बताया, और करके ये आ सकता है। एवरीबडी डन? एनीबडी लेफ्ट? आगे चलें। किसी का रह गया है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, डू इट क्विकली, डू इट क्विकली। हो गया बेटा, चले आगे। हाँ जी बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सियल फिलामेंट? एक्सियल फिलामेंट ओनली हेल्प्स इन मूवमेंट, राइट? ये टेल का पार्ट मेन है, और यहाँ पे इट प्रोवाइड्स अ बेस ऑन विच माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉइल्ड। सो हमने एक्सियल फिलामेंट स्पेसिफिक कोई फंक्शन नहीं लिखा, अदरवाइज इट हेल्प्स इन मूवमेंट ओनली। और एक चीज और, ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज नेक। सो स्पर्म्स के कौन कौन से पार्ट्स है? एक्रोसोम, या दिस इज, ये दोनों एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस फॉर्म्स हेड। दिस इज मिडल पीस। और ये तो टेल है ही है। सो हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में क्या आ जाता है? एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। नेक इज दिस। मिडल पीस में एक्सियल फिलामेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड टेल इज दिस। ओके एक्सियल डन, चले हम आगे। चलिए नेक्स्ट वी कम टू
फीमेल, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरे साथ 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 डायग्राम बनाना है। ह्यूमन, दिस इज द साइन ऑफ फीमेल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट इससे पहले एक और क्वेश्चन लिख, चलो पहले हम ये कर लें, फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमन। एब्डोमन जिसको हम पेट कह देते हैं, ये पूरा हमारा पेट है जो इसका लोअर पार्ट है ना। सो इन लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमन कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज, पेल्विक कैविटी। अंडरलाइन दिस नेम, दैट इज पेल्विक कैविटी। सो व्हाट इज पेल्विक कैविटी? द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमन। एब्डोमन जो हम सारा पेट कह देते हैं हिंदी में, उसका सबसे नीचे वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक कैविटी। राइट, सो आई नीड स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम रबिंग इट। सो लेट्स ड्रॉ। तो मेरे साथ साथ देखो जरा, पियर की तरह से, पियर नाशपति की तरह से हमने इस तरह से बनाना है पहले, राइट? बनाया ये जल्दी से। देन नेक्स्ट इज हियर, देयर आर ओवरीज। ये तो ओवरीज है, ये पार्ट है यूट्रस का। ये दो ओवरीज है, एंड ओवरीज आर अटैच्ड विद द यूट्रस। बातें बिल्कुल नहीं, ये यूट्रस से अटैच्ड है। ओवरीज आर सेक्स ऑर्गन्स बिकॉज दे प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, राइट? जैसे मेल्स में वास्ट डिफरेंस है या स्पर्म डक्ट है, ऐसे फीमेल्स में एग डक्ट है, फेलोपियन ट्यूब्स। दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स जो ओवरी में से एग लेके यूट्रस में डालती है। दीज आर ओवरीज, दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स।
जल्दी से बनाओ फटाफट से, फिर मैं ये सारा बताती हूँ. व्हाट इज दिस? और लेबलिंग अच्छी तरह से, बहुत इजी है. ओवरी, दिस इज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. ये जो इधर, ध्यान से बातें, इधर नहीं, इधर देखो, ये जो है ग्रीन और येलो के बीच में है. दिस इज ऑल वॉल ऑफ द यूट्रस. एंड दिस इज, ये जो सेंटर में है, दिस इज कैविटी ऑफ यूट्रस. ये जो पोर्शन है, ये वाला जो है, ये यूट्रस का ही पार्ट है, बट दिस इज सर्वेक्स. और ये जो पोर्शन इधर से जाके इधर, दिस इज विजाइना. सर्विक्स प्लस विजाइना, दिस इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल. ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, जब एक बर्थ हो रहा है बच्चे का, तो बच्चा तो यहां पे डेवलप हो रहा है यूट्रस में, कैविटी में, बट हाउ डज इट कम्स आउट? इट कम्स आउट थ्रू सर्विक्स एंड विजाइना. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल. एवरीबडी, आप, मैं, कोई भी, सो दे मस्ट हैव पास्ड आउट थ्रू सर्विक्स एंड विजाइना ऑफ द मदर्स. दिस इज बर्थ कैनाल. एवरीबडी डन? बनाया सबने? किसका रह गया है? दे कैन रेज देयर हैंड्स. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू फंक्शंस. लिखिए फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एट्थ ई नवकरण. नवकरण बेटा आ जाओ, जल्दी से मुझे बताओ, विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स. लिखिए एग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. एग जो है वो गैमीट है, ओवरी ओवरी. बिल्कुल ठीक है, ठीक है. तो लिखो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स. बैठो बेटा. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स आर ओवरीज. आर ओवरीज एंड
इट प्रोड्यूस एक्स एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। ओवरीज का क्या फंक्शंस है? प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, दैट इज कौन से है या सच एज कौन से है? एस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन। और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्ट्रॉन। ओवरीज के क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस एग्स। एग्स क्या है? फीमेल गैमेट्स, लिख लेना ब्रैकेट में, एग्स आर फीमेल गैमेट्स एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। कौन से दो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है? ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स? ईस्ट्रोजन, ओ से भी शुरू हो सकता है, ई से भी शुरू हो सकता है, ईस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्ट्रॉन। डन बेटा। इन मेल्स एक इजेक्यूलेट में 300 मिलियन स्पर्म्स है, और एक दिन में एक बार भी इजेक्यूलेशन हो सकती है, मोर देन वन टाइम भी इजेक्यूलेशन हो सकती है। तो मतलब कितने मिलियन स्पर्म्स रोज प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में, बट फीमेल्स में इन टू ओवरीज, दो ओवरीज है, बट इन वन मंथ ओनली वन एग इज प्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द ओवरीज। लिखो स्टार डाल के, राइट डाउन। इन फीमेल्स ओनली वन एग इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी वन ऑफ द ओवरी इन वन मंथ। इन फीमेल्स ओनली वन एग इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी वन ऑफ द इन वन मंथ। ठीक है जी। देन नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है बेटा फेलोपियन ट्यूब्स का। मैं ये थोड़ा सा रब कर दूं ताकि हमारे को जगह मिले। नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब्स, फंक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। जैसे आपने पहले पढ़ा है स्पर्म डक्ट का, ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब्स का फंक्शन क्या है? टेक्स अवे एग फ्रॉम ओवरी, टेक्स अवे एग फ्रॉम द ओवरी। और बेटा ध्यान से देखना है, फीमेल में हमारे को यू नो दैट इन ह्यूमंस देर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द मेल्स, ध्यान से सुनो, छोड़ दो कॉपी छोड़ दो, द मेल्स दे रिलीज स्पर्म्स इन विजाइना, द स्पर्म्स मूव अपवर्ड इन यूट्रस एंड देन गोज इन टू फेलोपियन ट्यूब्स। यहां से एग आया, यहां से स्पर्म्स आए, तो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कहां पर हुई? इन फेलोपियन ट्यूब्स। सो सेकेंड फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स आर द, आपने पूरा लिखना है, आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड एवरीबडी ऑफ यू नोज दैट फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सो वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वेयर? इन फीमेल। वेयर? इन फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, लिखो।
मतलब अलग से करके भी लिखो। सेकेंड पॉइंट मैं बता रही हूं कि पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या है, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। आपको साइंस पता होने चाहिए। आप पेपर में हो सकता है क्वेश्चन साइन पे ही आ जाए या साइन से ही लिखा हो, आपको पता ही नहीं होगा मेल क्या है फीमेल क्या है, यू विल बी अनेबल टू डू द क्वेश्चन। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। देन इन ह्यूमंस फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पूरा आपने फर्टिलाइजेशन लिखना है। ऑब्वियसली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या सिस्टम एंड कहां पे इन फलोपियन ट्यूब्स। ठीक है जी, इसलिए कुछ फीमेल्स में अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं किसी भी कारण से, समटाइम ड्यू टू सम डिजीज द फेलोपियन ट्यूब्स गेट्स ब्लॉक, देन नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो वो फीमेल के बच्चा नहीं होता अनलेस एंड अंटिल उसकी ब्लॉकेज खोली ना जाए। दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो सम फीमेल्स हैव ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स, दे कैन नॉट कंसीव, दे कैन नॉट फॉर्म द बेबी। ये एक आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए जब आपको ये पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब्स। देन नेक्स्ट इज यूट्रस, कैविटी ऑफ द यूट्रस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूट्रस? डेवलपमेंट ऑफ बेबी, डेवलपमेंट ऑफ फीटस या बेबी। एंड सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स एंड वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। फंक्शन क्या है? इट इज द पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। आपने ये पढ़ लिया होगा क्लास में, आई विल टेल यू इन फ्यू डेज व्हेन वी स्टार्ट एडोलेसेंस। एंड सेकेंड इज पैसेज फॉर बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। इट फॉर्म्स द पैसेज फॉर द बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। अब मैं कुछ टर्म्स बताऊंगी, फिर मैं आज आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी, फिर हम खत्म करेंगे। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज
इंसेमिनेशन। हैव यू हर्ड अबाउट इंसेमिनेशन? जिसने सुना है वो दे कैन रेज देयर हैंड्स। नो, इंसेमिनेशन मीन्स रिलीज ऑफ, किसका रिलीज? रिलीज ऑफ सीमन बाय मेल्स इन विजाइना ऑफ फीमेल्स। दैट इज इनसेमिनेशन। सीमन से टर्म आई है। देन सेकेंड इज ओव्यूलेशन। ये आप सबने पढ़ा होगा। व्हाट इज ओव्यूलेशन? यस, एनीबडी? कोई और क्लास में से बताए मुझे। एट ए में से समबडी फ्रॉम एट थे। व्हाट इज ओव्यूलेशन? यस, मिडल रो में से सेकंड बेंच पे जो बॉयज है, कोई सा बॉय आके बताए जल्दी से। इफ यू नो दैट, अगर नहीं पता तो छोड़ो। ओव्यूलेशन, एट्थ जी में से एक बच्चे का हाथ खड़ा, सेकंड वाला। हाँ, ओवरीज ओवरीज में से जो ओवम रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब्स में जा रहा है, दैट इज ओव्यूलेशन। एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है रिलीज ऑफ एग, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, ओवम फ्रॉम ओवरीज। अब जल्दी से अगर हम या ओवम का डायग्राम बनाएं, अगेन इट इज फीमेल गैमीट, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड है। जल्दी से विद इन 1 मिनट। ये देखिए, ये है इसका, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये एक, उसके बाद एक मेम्ब्रेन है। अभी मैं नाम बताऊंगी इसका, ये वाली ग्रीन कलर की, ये सारी मेम्ब्रेन। देयर इज 1 मोर मेम्ब्रेन आउटसाइड। इरेगुलर से सेल्स है, कोई छोटा कोई बड़ा। सबसे पहले दिस इज साइटोप्लाज्म। ऑफ एग, आपने अभी साइटोप्लाज्म सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, इसलिए फिलहाल यू हैव टू लर्न ओनली। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एग। और जो सबसे, ये जो व्हाइट वाली मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। जो ग्रीन वाली है, जोना पेलुसिडा। और जो बाहर येलो वाली है, कोरोना रेडिएटा। टाइम इज ओवर। बस मैं कर ही रही हूं बेटा, खत्म। सो नेम 3 एग मेम्ब्रेन्स।
क्वेश्चन ये आ जाता है, थ्री, दीज आर द थ्री एग मेम्ब्रेन्स, वन टू थ्री। एग मेम्ब्रेन्स, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, द आउटर मोस्ट एग मेम्ब्रेन इज, पता होना चाहिए कोरोना रेडिएटा। इनर मोस्ट एग मेम्ब्रेन इज, पता होना चाहिए वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ओके डन, बना लिया सबने? सो इफ यू सी हियर, जल्दी से देख लो, इधर ध्यान दो बस फटाफट से, 1 मिनट। आई विल टेक, टीचर्स प्लीज, आई विल टेक 1 मिनट ओनली। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टू टेस्टिस, देन दिस इज स्पर्म डक्ट, देन दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज आर सेमिनल वेसिकल्स, दिस इज यूरेथ्रा एंड दिस इज पेनिस, राइट? हम देखते हैं स्पर्म्स कहां से कहां पर जा रहे हैं। सो स्पर्म, दिस ब्लैक स्ट्रक्चर इज द इंडिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, देन इट गोज इनटू। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, टाइम इज ओवर। बस मैं खत्म ही कर रही हूँ बेटा, आई नो टाइम इज ओवर, बस ये खत्म, एक बार ये देख लेंगे फिर कल हमें टाइम नहीं मिलेगा इसको देखने का। तो ये स्पर्म्स यहाँ पे स्पर्म डक्ट से गए और फिर ये कहाँ पे आ गए, देन इट कम्स इन द यूरेथ्रा वेयर इट मिक्सेस विद द न्यूट्रिटिव फ्लूइड, और ये स्पर्म इस तरह से बाहर आ गए, राइट, थ्रू पेनिस। ठीक है जी, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, दिस इज यूट्रस, सर्वेक्स एंड विजाइना। इज इट ओके, ऐसा ही बनाया हुआ है आपने, और यस ये आपको इसी तरह से लेबलिंग के लिए आ सकता है कि मार्क द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो नंबरिंग है, मार्क द साइट वेयर एग्स आर फॉर्म, मार्क द साइट विच फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, बनाना भी आ सकता है और आपको इसकी लेबलिंग भी आ सकती है। ठीक है जी, ये मैंने आपको दिखा दिया। नाउ एग्स जो है ओवरीज में बने, इधर देख लो बस, ये चले फेलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में आए, एंड देन अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो ठीक है, नहीं तो द एग विल गेट डीजेनरेटेड। दिस इज स्पर्म, दिस इज एग, मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। ठीक है जी, तो व्हाट इज दिस शो, यहां स्पर्म्स इनसेमिनेशन, कैन यू सी दिस, बहुत सारे स्पर्म्स है वेजाइना में, ये यहां से जा रहे हैं ऊपर यूट्रस में और फिर कहाँ जा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में जा रहे हैं, और यहाँ पे दिस इज एग, यहां पर जाकर एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है जी, सो फर्टिलाइजेशन, आप यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लिख लो और फिर ये कल हम इसका आंसर करेंगे। ओनली वन स्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ओनली वन स्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, बट मेल्स प्रोड्यूस 300 मिलियन स्पर्म्स, 300 मिलियन स्पर्म्स इन वन इजेक्यूलेट, वाई इन वन इजेक्यूलेट, वाई एक स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए,
300 मिलियन स्पॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। क्यों इतना क्यों? ठीक है जी, चलिए ओके बेटा, रेस्ट वी विल डू टुमारो। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई, यस और नो? ठीक, चलिए ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।